इंदौर के चुनी इंदौर थाना क्षेत्र में जर्जर मकान में संचालित हो रहे किराने की दुकान का छज्जा गिरने से 65 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस, नगर निगम और SDRF की टीम मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। मामला इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र के सिंधी कॉलोनी का है। यहाँ एक जर्जर मकान के आगे का हिस्सा अचानक ढह गया। इसकी चपेट में आने से किशनलाल नामक 65 वर्षीय बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। बुजुर्ग किशनलाल पन्नी बेचने के लिए दुकान पर आए हुए थे, तभी यह हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि मकान कई वर्ष पुराना था और यहाँ पर सुनील नामक व्यक्ति किराने की दुकान संचालित करता था। मकान की देखरेख नहीं होने के कारण वह काफी जर्जर हो गया था और इसी कारण यह हादसा हुआ। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस, नगर निगम और SDRF की टीम मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। नगर निगम ने दुकान को खाली कराकर JCB मशीन से जर्जर हो चुके पूरे हिस्से को ढहा दिया। फिलहाल पूरे मामले में अब पुलिस जांच में जुटी है कि किसकी लापरवाही है। घटना है, निर्मल लॉन्ड्री के पास एक किराने की शॉप है, जहाँ पर किशनलाल उम्र 65 वर्ष निवासी सिंधी कॉलोनी, ये कुछ सामान लेने आए थे और जैसे ये लौट रहे थे तो अचानक छज्जा जो है वो गिर गया और दब जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई है। और भी कोई छज्जा था या किसी घर का छज्जा? ये दुकान का छज्जा था, जिस दुकान पर वो सामान लेने आए थे उसी दुकान का छज्जा था जो गिर गया। हादसे के बाद जर्जर मकान को नगर निगम द्वारा ढहा दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जर्जर मकान सीना ताने खड़े हैं और हादसे का इंतजार कर रहे हैं। इस पर भी नगर निगम को जल्द कार्रवाई करने की आवश्यकता है, नहीं तो आने वाले दिनों में कई बड़े हादसे होने की संभावना बनी हुई है।